और डैशबोर्ड और कंसोल पे हमने तोता ग्रीन हमने इसमें यूज किया है। और क्या बोलूं कट कर देना प्लीज इसे। तो गाइस हमारे व्यूअर्स की हाई डिमांड पे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हुंडई वेन्यू। अगर देखा जाए तो यस, हुंडई की बहुत सेलिंग कार है। तो यस, इसके अंदर आज हम लोगों ने बहुत ही डिफरेंट वर्क किए। तो गाइस वर्क दिखाने से पहले सबसे पहले बता दूँ कि इतना इंटरेस्टिंग वर्क है जिसके बारे में आज हमें ब्रिज जी बताने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें की हैं। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताने वाली हूँ कि जल्दी से हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, डिफरेंट वीडियोस या कलर कॉम्बिनेशन को आप लोग मिस कर दे। तो चलिए जानते हैं ब्रिज से कि इस गाड़ी बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कैसा न्यू कॉन्सेप्ट ये, मैं तो भैया देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसको कंप्लीट टेक ओवर ब्रिज ने किया था। तो जानते हैं इनसे, बताइए ब्रिज जी आपने इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है। आइए मैम आपको दिखा देते हैं। चल। ये देखिए मैडम, हमने इनका लाइट बेज में इसका मेक ओवर किया है, जिसमें हमने डैशबोर्ड पे, कंसोल पे और आपका जो पावर विंडो पैनल्स है इनके ऊपर पियानो ब्लैक किया है, और डैशबोर्ड और कंसोल पे हमने तोता ग्रीन हमने इसमें यूज़ किया है, जिसमें पैरेट फ्लोरोसेंट कलर्स को कहते हैं। और साथ में इसको मैचिंग करने के लिए हमने सीट्स में भी बीडिंग दी है, जो आप जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है मैम, मुझे ना मतलब ये देखते हुए ना मेरे माइंड में एक छोटा सा सवाल आया है। ये सवाल ये है कि जैसे जिस तरीके की पाइपिंग है उसी कलर का हम लोगों ने जो इंसर्ट दिया है, तो इसको मैचिंग करने में कुछ इश्यूज या कैसे, मतलब? नहीं मैडम, हमें कोई इश्यूज नहीं आते, क्योंकि जो भी हमारा पेंट वर्क है वो हमारा इन हाउस है। हम चाहे पेंट को चाहे फैब्रिक को दोनों को सेम मैच कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा प्रोसेस हमारा इन हाउस है। क्योंकि हमें हमेशा लगता रहता है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम याद है कि इसके अंदर फोर्ज कार्बन यूज किया था थार के अंदर, इस बार हम लोगों ने कुछ सॉलिड कलर चेंज यूज किया हुआ है इसके अंदर, तो वो भी काफी अच्छा लगा है। बट अगर थोड़ा सा देखा जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कार के अंदर अगर चाहते हम अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये इंटीरियर की जो चॉइस थी कलर कॉम्बिनेशन, तो मैं 1000% कह सकती हूँ कि आप ही ने सजेस्ट किया होगा, बट मुझे आप फटाफट से बस इतना बताइए कि जितना ये हम लोगों ने वर्क किया, ये कस्टमर की डिमांड थी या हम लोगों ने कस्टमर को सजेस्ट किया था? कस्टमर की डिमांड भी यही थी, क्योंकि उनका थोड़ा बजट कम था, तो बजट के अकॉर्डिंगली हमने ये प्लान किया था कि इतना इंटीरियर। अगर कोई व्यूअर्स या कस्टमर हमें चाहे कि इससे ज़्यादा भी अगर इंटीरियर में वेन्यू में करना चाहे तो हमसे करवा सकते हैं, इसमें एड ऑन और काफ़ी कुछ हम कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि गाइज अगर आप लोग देखेंगे कि थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि इसके अंदर वो हम लोग एड ऑन कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, मतलब जिसको जिसके बाद एक गाड़ी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। बट यस, अभी इस वक्त अगर बोलना चाहूँ तो गाइज ये हो गई है कार हमारी पूरी पॉकेट फ्रेंडली रेडी। तो यहाँ पे आप इसके रूफ देखिए, रूफ को हम लोग चेंज कर सकते थे, उस पर स्टार लाइटनिंग कर सकते थे, और चाहते तो जितना भी ये ब्लैक कलर है कंसोल का और आपके डोर्स का, तो इसको हम लोग लाइट रख सकते थे, ताकि जो पूरा इंटीरियर है वो एक और एक डिफरेंट थीम के साथ एक्यूरेट चला जाए। तो साथ ही में मुझे एक बात बताइए कि हम लोग चाहते तो इसके अंदर भी हम लोगों ने ग्रीन ये तोता कलर हम लोगों ने यूज क्यों नहीं किया, हमने इसके अंदर पियानो फिनिश यूज किया। पियानो फिनिश इसलिए यूज किया क्योंकि जो ये लाइट बेज इसका आपका पूरा जो एरिया आ रहा है, इसके अंदर अगर हम ग्रीन देते वो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं करता जितना हमारा पियानो ब्लैक इतना इम्पैक्ट कर रहा है। क्या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों को ये भी था कि यार कहीं ग्रीन कलर बहुत ज्यादा ना हो जाए गाड़ी के अंदर, ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि एज पर द थीम मैं जितना देख पा रही हूँ, आप देखो कि सीट्स पे भी हम लोगों ने पाइपिंग बहुत हाईलाइटेड के लिए लिया है, और उसी थीम को हम लोगों ने पूरा कंटिन्यू करते करते आप देखिए कि बाकी पार्ट्स पे भी हम लोगों ने बहुत हाईलाइटेड पार्ट ही लिया है, वो आप लोग देखिए। और कुशनिंग भी हम लोगों ने की है, लेदर सॉफ्ट लिप भी हम लोगों ने की है। तो अच्छा मुझे एक बात बताइए कि अगर हम लोग इसको पूरा कंप्लीट अगर कर देते तो आपके व्यू से कैसा लगता है, कि क्या ये और भी अच्छा लगता है गाड़ी या अभी बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है? और भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जो वेन्यू गाड़ी है इसका जो कैबिन स्पेस है बहुत छोटा है, अगर आप कोई भी डार्क कलर के अंदर उसे लाइट में अगर कन्वर्ट करते हो तो गाड़ी का स्पेस अंदर से ह्यूज लगता है, गाड़ी बड़ी लगती है। मैम फिर आप बताइए, जैसा हमने ये गाड़ी डिजाइन किया, आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है? भाई मेरे हिसाब से तो सुंदर, उत्तम और अति उत्तम लग रही है ये गाड़ी। तो वैसे तो ये व्यूअर्स में आ रहे बताने वाले कि उन लोगों को कैसा लगा, और यू नो मुझे ना इस थीम को पर्सनली अगर मैं देख रही हूँ इस गाड़ी को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये मैं थीम ना थार में भी ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी, क्योंकि जो ये लाइट ऑफ वाइट प्लस ये फ्लोरेसेंट पैरेट कलर का जो कलर कॉम्बिनेशन आया है ना, थार में मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो होपफुली आप सभी लोगों को भी पूरा कलर कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। सीट्स आप देख सकते हैं, सीट्स पे हम लोगों ने परफोरेशन लिया है
परफोरेशन में आपको थ्रेड वर्क भी देखने को मिलने वाला है। तो ये डिजाइनिंग पार्ट की अगर बात करूँ तो डिजाइनिंग पार्ट भी आप ही ने चूज किया था, ये कस्टमर की डिमांड थी, ये हमने चूज करके कस्टमर को दिया था। इसमें हमने सेंटर में परफोरेशन इसलिए रखा है क्योंकि परफोरेशन जो है अपने आप में एक डिजाइन है, वो डिसेंट डिजाइन है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा में नहीं करना होता। इसमें कस्टमर सीट का लुक चेंज हो जाता है और क्या बोलूं कट कर देना प्लीज। वैसे गाइज आपने परफोरेशन में काफी सारे डिजाइन देखे होंगे, सिंपल सिंपल होल्स देखे होंगे, बट अगर आप थोड़ा सा इसका क्लोजअप लेंगे तो यहाँ पे आपको ना फोर डॉटेड डिजाइन देखने को मिलने वाला है। जैसे कि ब्रिजी ने बताया कि इस सीट को और भी ज्यादा यूनिक बना रहा है डिजाइन को, सीट्स को, तो यस उस पे ये बिल्कुल ही परफेक्टली मैच ये लाइन होने वाली है कि भाई पूरा इंटीरियर इस तरीके से रहेगा। बट यस ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये रूफ फोर हो जाती ना तो पूरी गाड़ी ना धमाल धमाल लगने वाली थी, जिस तरीके का हर एक पार्ट पे, जैसे इसके आरसी लीवर्स पे, एसी वेंट्स पे, नीचे कंसोल वाले पार्ट पे, स्टीयरिंग के वी पैनल पे, मतलब इतना प्रीमियम तरीके से, मतलब इतना थोड़ा बहुत टच लिया है इन्होंने फ्लोरोसेंट ग्रीन का, जो कि इस कार के इंटीरियर को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। साथ ही में लेदर सॉफ्ट कोटिंग में लोअर डैशबोर्ड कंसोल का एक छोटा सा पार्ट ताकि हैवी लुक भी ना आए, ठीक है, कैबिन और भी लाइट भी लगे, साथ में जो आपकी ओरिजिनलिटी है वो भी आपकी गाड़ी के अंदर रहे। और ये पूरा लेदर सॉफ्टवेयर प्यानो फिनिश उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है। स्टेयरिंग इसका डुअल टोन है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है। तो गाइस जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि आप सभी लोगों को ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा, और मैं तो बिल्कुल बोलने वाली हूँ कि मैं ये कलर कॉम्बिनेशन थार के अंदर जरूर ट्राई करने वाली हूँ, जरूर ट्राई करना चाहूंगी। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं, तो गाइस इसके लिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हम लोग फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक न्यू कलर कॉम्बिनेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।